सो गाइस, ये ब्लॉग है आज से 2-3 हफ्तों पहले का, जो कि मैं सिलवासा गया था अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पे। एंड हम लोग ने वहाँ पे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिया था, तो ये तभी का ब्लॉग है। आप देखिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइए कि कैसा ब्लॉग लगा आपको, ठीक है। एंड इस ब्लॉग में मैंने जितना भी मोटो ब्लॉग किया है उस पर मैंने पूरे का पूरा वॉइस ओवर किया है, क्योंकि मेरा जो कैमरा है एक्शन कैमरा वो एक्सटर्नल वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दोनों ऑडियो वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इस दोनों को सिंक्रोनाइज करके मैंने ब्लॉग बनाया है। सो यहाँ पर मैं अपने दोस्त मयंक के घर के बाहर खड़ा था, उसका वेट कर रहा था। तब तक मैंने देखा कि क्यों ना अपना लगेज चेक कर ले जाए, कहीं क्या अपना कोई लगेज कोई ढीला तो नहीं है, कोई भी कॉर्ड लूज तो नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा ट्रिप पर कहीं पर गिर गया तो फिर इशू हो जाएगा। उससे अच्छा है प्री राइड के पहले कुछ चेक कर लेना ज़रूरी है। और सब मैंने फाइनल चेक करने के बाद बाइक किया चालू। बाय द वे अभी तो मैंने बंद किया था बैठने के बाद, क्योंकि मैं बहुत टाइम दे था आने के लिए। गाइस, राइड स्टार्ट होने का टाइमिंग था सुबह के 5 बजे, हम लोग 5 बजे मिलने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश हमारे दोस्त लेट हो गए। एंड ये रही अपने खाते की नई एन एस स्टूडेंट जो कि अभी से रिसेंटली ली है, ये रही सिद्धेश की बाइक, ये हमारे एंड ये अपना प्यारा सा हस्की। और सिद्धेश कैसा है ब्रो? एंड ये रहा अपना लगेज जो कि मैं अभी साइड में मैंने बांध के रखा है पीछे की तरफ, मैं देख रहा था कि आपका सही सलामत है कि नहीं। ये अपना प्यारा सा हस्की। और खाते देख तो कैमरा चालू है कि नहीं, बस सही है मोटर लॉगिंग चालू है अपना। चलो रेडी स्टार्ट करते अभी। एंड देन बिना एक भी सेकंड हमने वेस्ट किया, हमने राइड की शुरुआत कर दी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शेड्यूल से बहुत ही पीछे चल रहे थे। एंड मेरे लेफ्ट साइड का जो व्यू है जो कि समुंदर तो नहीं, छोटा सा खाड़ी है, खाड़ी बोलते हैं उसे वहाँ पे, घोड़बंदर वाला खाड़ी, देख रहे हो क्या है व्यू है। पहाड़ के ऊपर बादल बिछे हुए, एकदम मस्त ओपी वाला मौसम हो गया था। सुबह सुबह की जो ठंडी हवाएं चल रही थी और बाइक चलाते वक्त मैच जैकेट पहनने का जो मज़ा था ना, एकदम फील ही अलग था। बाइक चल रही है मस्त, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, मेरा दोस्त बोला देख भाई क्या है व्यू हो रहा है लेफ्ट साइड पे। मैंने भी देखा और मैं तो भाई सुबह सुबह राइड वाला बंदा हूँ, सुबह सुबह तो भाई मज़ा ही आ जाता है वो राइड करने के लिए। एंड फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग फाउंटेन होटल के पास रुके थे, फाउंटेन होटल के एग्जैक्टली पास नहीं बोल सकते, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ अपोजिट लेन की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा काम याद आ गया था सुबह सुबह जो कि करना बहुत ही ज़रूरी था, नॉट वॉशरूम वाला बट इम्पॉर्टेंट काम था जो कि मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा था। 3-4 दिन से मेरा हेडेक बन चुका था वो काम और मुझे अर्जेंटली ही करना पड़ा। तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा भी, अब देखना हम लोग ने लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा बाइक रोक के रखा था। और बाय द वे पीछे की तरफ तो मैं बाइक कभी खड़ी करता ना हमेशा, मैं बाइक कहीं भी हो मैं बाइक हमेशा अपनी फर्स्ट जगह पर ही खड़ी करता हूँ। एंड अपनी बाइक भी हमेशा मैं फर्स्ट जगह पर ही खड़ी करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लास्ट आए, लास्ट क्यों आए भाई। इसलिए मैंने भी अपनी बाइक देखना आगे ही खड़ी की थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे नो कैजुअली मैं बोलता हूँ, ऐसे अच्छा लगता है ना कि आगे खड़े रहे, पीछे खड़े रहने में क्या है, आगे खड़े रहना चाहिए हमेशा, है कि नहीं। देखो इसलिए इस बार मैंने बाइक आगे ले ही ली। एंड यहाँ पे दिया हमने हमारे चैनल का इंट्रो। हेलो भाई, कैसे हो आप? सर माइक बोला नहीं, बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएम व्लॉग्स। तो आज अनप्लान राइड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज के एक वीडियो पहले हमने एक राइड प्लान किया था संडे राइड का, लेकिन संडे कुछ इवेंट की वजह से हो नहीं पाया। तो आज तो संडे नहीं, आज ट्यूसडे वेनसडे, आज वेनसडे है ना, वेनसडे, आज मैंने से हम लोग सोचा कि क्यों ना आज राइड प्लान हो जाए, क्योंकि कार्तिक ने अभी जस्ट रिसेंटली बाइक ली अपने लिए, सिद्धेश के पास तो ऑलरेडी था एंड मेरे पास भी ऑलरेडी था, तो क्यों ना एक छोटा सा शॉर्ट, तो क्यों ना छोटा सा एक शॉर्ट स्पिन मारा जाए, एकदम ओपी वाला मज़ा आ जाएगा। अभी आगे की बात करते, आगे बढ़ते अभी। बाय द वे मैंने अपना लगेज भी यहाँ पे बांध के रखा, ये मेरा मल्टी यूटिलिटी बैग है, इसको मैं स्कूल कॉलेज ऑफिस सब जगह पे लेके जाता हूँ। इसमें मैंने शूज़ रखे हैं एंड ये रहा गोनी रखा है, जिससे कि गंदा पानी इसके ऊपर ना उड़े, फिर भी देखते उठ रहा है कि नहीं, नहीं नहीं उठ रहा है। एंड बाय द वे देख रहे हो मौसम, देख रहे हो एकदम फॉगी फॉगी हो गया है। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और डिस्कवर करेंगे, तब तक के लिए स्टेट अभी कैसे मैंने अगर ट्राईपोर्ड वेपोर्ड से होते बैग के अंदर रखा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी इसको मैं डिस्टर्ब करूँ। बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको पूरी तरह से पैक किया, तो ये ड्यून आपको आपको मस्त मस्त व्लॉग देखने मिलेगा, आपको वाला मज़ा आने वाला है, मतलब ये ड्यून। एंड फिर से राइड की हो चुकी है शुरुआत, अभी मैं देख रहा हूँ कि अपना कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं इस मिरर वाले ग्लास में। एंड सामने से आगे छोटा सा पॉट होल, छोटा सा तो नहीं बोल सकते, काफ़ी बड़ा था, उसकी वजह से मैं खुद हिल गया। एंड सामने देख रहे हो पहाड़ पे बादल ही बादल, बादल अपने से बहुत फेवरेट है, मुझे बादल बहुत पसंद है एक्चुअली में, टू बी फ्रैंक।
वैसे झूठ नहीं बोलना, टू बी फ्रैंक मुझे ज़्यादा बहुत पसंद है। एंड समवॉट हमने 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद मैं रुक गया अपने कुछ काम के लिए, जो कि बहुत ही मेरे, जैसे कि आपको बताया कि अर्जेंट टू अर्जेंट मुझे कॉल्स आ जाते, सुबह के 6 बजे से स्टार्ट हो गए थे कॉल्स मुझे आना, तो मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। एंड राइड के भी मज़े मुझे लेने थे, तो मैंने क्या किया, आगे हम लोग ने 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद एक होटल पे हमने हॉल्ट लिया। एंड तो अभी मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग ने छोटा सा हॉल्ट लिया यहाँ पे, थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के लिए एंड वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए। यहाँ पे अपने की सारी बाइक्स खड़ी है, अपना हस्की यहाँ पे खड़ा है। ये रही कार्तिक ने जो अभी रिसेंटली अपनी प्री ओन्ड एक बाइक ली है उसके लिए NS 200। ये और ये रहा अपना बबली का बाइक, ओपी बाइक है अपना, बाकी सब तीनों का गाड़ी एकदम ओपी है। एंड अभी मैंने अपना थोड़ा सा काम ख़त्म किया, थोड़ा कॉलेज का कुछ काम था, जस्ट मज़ा आ गया भाई। सुबह से हम लोग राइड कर रहे, क्या ही मज़ा आ रहा है। मैं एक्चुअली सीन क्या था, मेरा एक्शन कैमरा जो कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने इसमें रिकॉर्ड किया, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस है, अलग से अगर मैं वॉइस रिकॉर्ड करूँगा तो इतना वर्थ नहीं होगा, और इतने देर तक करूँगा तो भी कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया, वॉइस ओवर मैं ऊपर दे देता हूँ, तो वही बेटर लगा मुझे ऑप्शन। तो कैसा लग रहा है फ्लॉलेस ग्रीन टी शर्ट का, अच्छा लग रहा है ना? एक्चुअली ये स्वेट टी शर्ट है अपने जैकेट के अंदर पहनने के लिए, तो मैंने सोचा कि जैकेट के अंदर पहनना ज़रूरी है। अगर कॉटन का पहनूंगा तो फिर वेट गीला हो, पसीने से गीला हो कि पूरा हो, हैवी हो जाएगा, फिर मज़ा भी नहीं आएगा, स्मेल करेगा। उससे अच्छा ये है, अगर पसीना आया हम एक जगह पर रुकेंगे, वहाँ पर इसको पानी में डाल के सुखा देंगे, थोड़ी देर सूख जाएगा। बाय द वे यहाँ पे अपना लाइनअप है, अभी मैं भी अपना जैकेट पहनूंगा, कार्तिक अपना जैकेट पहन रहा है। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूँ, हम लोग रुके यहाँ पे न्यू गिरनार काठियावाड़ी शुद्ध शाकाहारी, हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता किया, बिस्किट खाए, अभी बस निकलने की तैयारी है। हाँ देख बताइए आपका परफॉर्मेंस कैसा था आपके नई बाइक पे? मस्त एकदम, पक्का? खाली तो रेडिएटर डाल के लाया, अभी तक हिट हुआ नहीं एक भी बार। अरे एक सीन हो गया था एक्चुअली, कार्तिक ने अभी रिसेंटली ये बाइक लिया ना, तो उसके रेडिएटर में छेद था। कितने बार चेंज किया रेडिएटर? कार्तिक की सुबह नहीं सुनते, उसने क्या क्या काम करवाया अपनी गाड़ी पे अभी रिसेंटली? रेडिएटर चेंज करवाया, शॉकअप चेंज करवाया, फ्रंट फोक्स चेंज करवाया, CDI चेंज करवाया। और तेरा रेडिएटर का क्या सीन था? रेडिएटर में होल हो गया, रेडिएटर में, हाँ रेडिएटर ब्लॉक हो गया, रेडिएटर में होल था, उसको वेल्डिंग से ठीक भी किया, गैस वेल्डिंग से, फिर भी इस बार रेडिएटर नया डाला ना पूरा फैन के साथ, पूरा नया। मतलब कोई बात नहीं, प्री ओन्ड बाइक्स में ऐसे नॉर्मल ऐसे काम तो आता ही है, लेकिन करा लिया अच्छी बात है, ताकि आगे टेंशन ना हो, जो भी पहले हो जाते वो सारी की सारी चीज़ें अच्छी होती है। ये रहा हमारा सिद्धेश दी बॉय मंकी बॉय इज ओवर देयर नाउ, ही विल राइडिंग द बाइक ऑफ सिद्धेश यामाहा FZ। इसका रिव्यू आपने देखा नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन आएगा, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। मुझे पता है कि बैकग्राउंड में यहाँ पे ना नॉइज़ हो रहा है, लेकिन आई होप कि कॉपीराइट ना पड़े मेरे वीडियो पे। लेट्स फिंगर क्रॉस्ड। मैं भी पहन लेता अपना जैकेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, पहन लेते फटाफट अपना सामान रख के बैग में डालते, मेरा लगेज उसको भी मुझे अपने बाइक के रैक पे बांधना है इन कॉर्ड्स की हेल्प से, क्योंकि मैं घर पे से लेके आया था। ठीक है, तो अभी हम लोग को जल्दी पहुँचना है, तो फटाफट पैकिंग कर दो, कैमरा रखता हूँ साइड में, ठीक है, मिलते हैं बाद में बाइक पे। तो मैं ये बोल रहा था कि जैकेट पहनने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट कर देते, आई मीन टू से थोड़ा सा और ज़्यादा फास्ट, क्योंकि इसको पहनने में मैंने कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया, करते थोड़ा फास्ट, दो को 2 सेकंड लगे। ये जस्ट छोटा सा फुटेज के लिए मैंने अपना फ़ोन वहाँ पे रखा था, मैं फ़ोन वहाँ पे भूला बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ शॉट लेने के लिए मैंने वहाँ पे ट्राईपॉड पे अपना फ़ोन रखा था। मैंने होटल वाले से कहा भैया थोड़ा सा आप देख लेना, मैं सिर्फ गाड़ी घुमा के शॉट लूँगा, बाद में अपना फ़ोन में लेके जाऊँगा। एंड लास्ट में मैंने उनको जय श्री कृष्णा भी बोला, ठीक है। तो अभी अपना हाईवे पकड़ते सीधा, थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग मैं यहाँ पे करूँगा। एंड अपना लगेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि कार्तिक का जो बैग था उसके NS 200 पे फिट नहीं हो रहा था, उसने क्या किया मेरे लगेज रैक पे लगा दिया। एंड सॉरी फॉर दैट डॉग नॉइस, मेरे घर के बाहर है जो आवाज़ कर रहे, उसका कुछ सीन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ से हमने हाईवे पकड़ लिया और फिर से राइड हो गई कंटिन्यूस चालू।
बड़ी सी परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे 2 hours later इसलिए क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे बाइक चला रहे थे उसे देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। एंड बाद में हम लोग ने जब ये महाराष्ट्र का ये बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ पे चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट इन द सेंस जो बड़े ट्रक होते और बड़े ट्रक का जो चेकिंग होता है उनके लिए स्पेशल अलग लेन होता है, हम बाइकर्स के लिए वहाँ पे होते हैं। और कार्तिक वो लाइन में चला गया एंड मैंने उसको बोला कार्तिक कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, वो भाई फिर आ गया, फिर हम लोग साथ में आगे मिले। एंड वैसे जर्नी हमारी कंटिन्यू होते रहे। हम ये बाजू वाली एस क्रॉस या फिर वी क्रॉस कोई तो कार है वो हमें देख रही कि बंदे ने कैमरा आगे लगाया या फिर कुछ और लगाया। बस आगे का जर्नी आप इंजॉय करते रहिए, देखते रहिए वीडियो आगे। और भाई सभी हम लोग ने वापस एक हॉल्ट लिया है ये जानने के लिए, और हम लोग ने वापस एक हॉल्ट लिया 33 किलोमीटर और चलाने के बाद ये अभी और कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है वो हम लोग अभी जानना है। तो इसके पास मैप है वो अभी वो आगे चलाएगा, मैं और साथ 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 में पीछे चलाएंगे ताकि कोई पीछे खींच ना जाए। वैसे तो हम 3 ही लोग हैं, देखो हम वैसे तो हम लोग के पास 3 बाइक है, 2 लोग इसमें है, ये सोलो है एंड मैं भी सोलो ही चला रहा हूँ। तो जिसके पास मैप है वो अगर आगे चलाएगा तो वो बेटर होगा, नहीं तो हम लोग के पास मैप है लेकिन अगर मैं माउंट लगाऊंगा तो जब बम्स आते तो माउंट पूरा हिलता है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरा फोन गिरे कुछ हो, मुझे मज़ा नहीं आएगा। A few moments later तो अभी सब सॉर्टेड हो चुका है, सब माइंड अभी आगे रहेगा, मैं और काफी साथ साथ में पीछे रहेंगे टेल सेक्शन में, मिड सेक्शन में माइंड रहेगा क्योंकि उसके पीछे सिद्धेश बैठा है जो कि मैप नेविगेट कर रहा है। वैसे तो हम लोग का फर्स्ट टाइम है सिल्वासा की तरफ, तो देखते हैं सो फार सो गुड, द बाइक इज डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ओपी अपना भी भाई ओपी इन द 100 अपना भी है ओपी इन टू 100 बाइक है भाई, अपना भी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। ठीक है तो अभी मिलते हैं अपन बाद में डायरेक्ट लोकेशन से। 2 hours later ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिल्वासा, कैमरा के नीचे है सिल्वासा का बोर्ड जो कि हम मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तब तक देखो बारिश चालू हो गई, तब तक हम जैसे ही बारिश हम लोग ने एंटर किया यहाँ पे बारिश आना चालू हो गई एकदम जोरदार वाली। वैसे तो अभी जब इंजन वाली है तो थोड़ी देर जैसे हम लोग अंदर जाएंगे बारिश कतई जो है बढ़ने वाली है। तब तक हम लोग ने देखो सबने रेन कैप पहन लिया, मेरा तो इंटरनल लाइनर ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है रेन लाइनर एंड साथ ही मैंने उसको पैंट भी पहन लिया रेन का। बाकी अपनी बाइक तो वाटर प्रूफ है, अपनी लाइट्स को भी मैंने बचा के रखा है यहाँ पे, अपना जो पूरा कंसोल है ये भी अपना पूरा सेफ है, तो फिर अपने को बारिश में टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। अपने पेपर्स फोन पिन सब मैंने इसमें डाल दिया, तो ये वाला फ़ोन पिन मैं डाल दूँगा अपने पॉकेट के अंदर, इसे भीगेगा नहीं है। और वाइट सभी हम लोग जाएंगे सिल्वासा डायरेक्ट, ये वाला जो गेट है यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वासा इज़ लाइक 13 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड सफ़र का मज़ा लेते हुए मैं अप्पू और हमारे प्यारे से दोस्त मौसम एकदम टकाटक एकदम ओपी वाला मौसम। बाय द वे गाइस बारिश भी बहुत हो रही है एंड देखो अभी बाइक भी पूरी तरह से गंदी हो चुकी है, अभी तो और बारिश होगी तो बाइक और गंदी होने वाली। मैं आपको दिखाता हूँ बाइक की हालत क्या हो चुकी है, देखो एकदम उसके टायर जब यहाँ पे एग्जॉस्ट तक पूरा गंदा हो चुका है इसका, मतलब बाइक ने अब तक कोई प्रॉब्लम तो दिया नहीं है एंड आई होप कि और भी कोई प्रॉब्लम ना दे, द बाइक इज परफॉर्म रियली गुड। वैसे तो अपना हस्की है इतना अच्छा कि इसको प्रॉब्लम नहीं आती। टचवुड तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है नहीं। फायदे ओपी हस्की सा ओपी गाँव। सिल्वासा के सिटी वाले इलाके में पहुंचते वक्त जैसे ही हम लोग वहां पे रुके हमने सबसे पहले किया वहां पे नाश्ता, सुबह सुबह हमने खाया वड़ा पाव, मैंने खाया खमन ढोकला, वहां पे बहुत ही टेस्टी खाना मिल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग ने वही किया, पहले सबसे पहले नाश्ता किया एंड बाय बाद में हमने वहां का जर्नी कंटिन्यू किया। एंड जो हाईवे से हम लोग जब अंदर गए थे इट वॉज़ लाइक क्रेजी यार, कितना ज़्यादा डिस्टेंस था अंदर कवर करने के लिए, मतलब बहुत टाइम लगा हम लोग को क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग वहां पे गए थे एंड ढूंढने में ही मोस्टली हम लोग को टाइम लग गया था कि एक्चुअली लोकेशन है कहां पे।
एंड जिस रास्ते से अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो वाला सिटी वाला इलाका है, एंड वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया पूरा चालू होता है। जब इंडस्ट्रियल एरिया ख़त्म होता है वहाँ से विलेज वाला इलाका चालू होता है जो कि एक्चुअल सिलवासा कहलवाता है, क्योंकि वहाँ का हिल स्टेशन तो नहीं बोल सकते, हिली एरिया जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी मैं आपको वहाँ के भी क्लिप्स दिखा था, कुछ पूरा ग्रीनरी वहाँ पे फार्म्स थे, बहुत सारे प्लांटेशन वहाँ पे की गई थी। तो अभी आपको मैं वहाँ का फुटेज दिखाता हूँ। गाइस एक बात जिसमें नोटिस करने वाली ये है, जैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हुआ था हाईवे से, रोड्स इतने ख़राब थे कि ऐसा लगता है कि चांद पे क्रेटर्स नहीं है जितना कि रोड पे है। मतलब इतने खड्डे थे वहाँ पे, मतलब गड़गड़ गड़गड़ की थे गाड़ी की, तो बाइक की, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती थी। एंड जैसे हम लोग ने विलेज एरिया में एंटर किया, यहाँ के रास्ते देखो एकदम क्लीन सुपर्ब एकदम फ्लैट, एक बिल्कुल छोटे मोटे खड्डे थे लेकिन जो कि इतने मैटर नहीं करते। देख रहे आप ये वाला रास्ता देखो कितना मस्त एकदम स्मूथ, हम लोग 70-80 यहाँ पे खेल रहे थे, मतलब मज़ा आ गया था वहाँ पे। इट्स द फाइनल, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर, हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए थे। ये वाली जो लोकेशन थी काफ़ी खूबसूरत थी, मैं एक्चुअली ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा, लेकिन जब हमने रियल आई से वहाँ पे देखा, यार क्या जगह थी ये, मतलब पूरा ग्रीनरी सामने ये लेक था ब्यूटीफुल सा, मतलब मज़ा आ गया था। सोचा थोड़ा सा और वेट करते, थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय करते, फिर दूसरी लोकेशन पे जो सामने जो दो माउंटेंस दिख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ से वहाँ जाने का भी ट्राई करने वाले थे। गाइस दिस वाज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, हम लोग अभी ऊपर से जाने वाले हैं, जो सामने जो माउंटेंस दिखने वाले हैं वहाँ पे जाने वाले हैं। एंड वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था भाई खतरनाक रास्ता था, मतलब जिसके पास भी ऑफ रोडिंग वाली जो एडवेंचर टू द बाइक होती थी ना भाई, वो तो क्या मज़े लेता था। एंड जिसके पास क्रूजर बाइक है भाई, जो कि मैं बदनसीब नहीं नसीब वाला हूँ ऐसा नहीं है, पर अपने पास एडवेंचर बाइक होती तो और मज़ा आता, क्योंकि क्रूजर बाइक में कैसा था, रिलैक्स पोजिशन पर ऐसे सोफा में कैसे बैठा ऐसे चला रहे हो, और जो खड्डे होते हैं ना, खड्डे सीधे आपको कमर पर ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब झटके लगते, ऐसा नहीं झटके लगते इसमें भी, तो वो मुझे थोड़ा सा तकलीफ वहाँ पर हुआ, बाकी सब कुछ ठीक था। एंड अभी आपको आगे का जो मैं क्लिप दिखाने वाला हूँ वहाँ पे देखना, एकदम इंक्लाइन वाला जो स्लोप वाला रास्ता था, मतलब पूरा पेबल्स नहीं बोल सकते, शार्प जो पत्थर होते हैं ना उससे पूरा ढका हुआ था। मतलब मुझे ये डर लग रहा था कि 45 डिग्री वाला इंक्लाइन वाला ये रास्ता है, अगर टायर कोई भी पत्थर टायर में अगर घुस गया तो वहीं पर अपना ट्यूबलेस टायर भी पंचर हो जाएगा। तो वहाँ पर मैं संभाल के मैंने अपना इंजन कट ऑफ किया, एंड न्यूट्रल पे क्लच दबा के मैंने अपनी बाइक को वहाँ से जाने दिया, और पीछे का ब्रेक प्रेस करते हुए धीरे धीरे आगे मैं बढ़ते गया। गाइस देखो ये रहा वो रास्ता, एक एक्शन कैमरा में काफ़ी सीधा लगता है लेकिन ये काफ़ी स्लोप में था, मतलब सामने जो स्कूटी जा रही है ना बंदा, वो मेरे को देख रहा था कि ये बंदा अभी लेगा कैसे बाइक यहाँ पे, उनकी तो स्कूटी थी भले पीले के साथ वो भी जा रहा था, पर वो भाई मुझे देख रहा था कि ये अभी क्रूजर वाला भी बाइक निकालेगा कैसे यहाँ से, पर जो ये पत्थर है ना, मैं धीरे धीरे फिर भी चला रहा था, धीरे धीरे मेरा इंजन भी कट ऑफ था, पूरा इंजन भी मैंने बंद रखा था, क्लच दबा के मैं बाइक आगे धीरे धीरे चला रहा था। फ्रंट ब्रेक्स तो मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे मैं फ्रंट ब्रेक मार रहा था टायर मेरा लॉक होकर स्कीड हो रहा था वहाँ पे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि क्लच में चला के इसको पीछे का ब्रेक हम प्रेस करके धीरे धीरे चला सकते हैं। और देख रहे हो मेरा हैंडल देख रहे हो कितना हिल रहा है, मतलब देख रहे हो इतना स्लोप में था, वो जितना भी कम मोमेंटम आपका रहेगा फिर भी बाइक उतनी ही फास्ट आगे वो स्लिप होती रहेगी। अरे सॉरी फॉर दैट डॉग नॉइस, वो तो होता रहेगा, अभी वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो घर के बाद तो आवाज़ आई गई, इसका कोई इशू नहीं है। एंड भाई साहब जो ये लोकेशन था ना, काफ़ी तगड़ा लोकेशन था, विलेज एरिया पूरा था, एंड गांव खेड़े की जो स्मेल होती ना, मतलब गांव खेड़े की जो खुशबू होती है ना, एकदम फंटास्टिक होती है, जो कि हमारे सिटी में नहीं आती। अरे चिकन आ गए यहाँ से, अरे भग चिकन। एंड जो मेरा आगे जो स्कूटी वाला बंदा ना, क्या ही चला रहा है, एकदम मस्त एकदम, अरे एकदम कॉन्फिडेंटली चला रहा है, क्योंकि वो तो वहाँ का रहने वाला, उसको तो आदत होगी वहाँ पर रहने की। एंड देख रहे हो मैं देख रहा एकदम नूब की तरह चला रहा, अभी ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेता, अभी नया रास्ता है, क्रूजर बाइक तो ऐसे गंदे पैच पे लेके जाएगा तो ऐसे ही चलाएगा ना, और कैसे चलाएगा। ठीक है, तब आगे का भी आप क्लिप देख लेना, जब हम फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए थे वहां पे मैंने व्लॉग किया था, अब आप व्लॉग देख लो वहां का। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली पहुंच चुके लोकेशन में, यहां का जो लोकेशन है ना काफ़ी एपिक है, मतलब देखोगे ना इस कैमरा के पीछे जो व्यू है ना, एपिक है एपिक, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता एपिक के अलावा। देखो आप देख रहे हो, एंड वहाँ पर भी ना एक बोटिंग का कुछ है वहाँ पे,
तो अभी हम लोग का प्लान तो है वहाँ पे जाने का, लेकिन टाइम कंज्यूम हम लोग का ज़्यादा होगा, तो मोस्टली हम लोग वहाँ पे अवॉइड करेंगे। हम लोग यहाँ से चिल करेंगे थोड़ा, मतलब देख रहे लोकेशन भी एकदम ओपी वाली है। मेरे दोस्त लोग अभी अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हैं, मुझे दे नहीं रहे। यहाँ पे इतनी शांति है ना, मतलब मेरा दोस्त पीछे भी बात कर रहे हैं तो भी माइक में सुनाई दे रहा है। मतलब ये बोल रहे झिंगो थोड़ा सा, देखा सुनाई दिया ना देखा इतनी शांति है मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आना एक्चुअली में वर्थ है। मतलब मुझे लगता है कि ये वाला मानसून सीजन है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी हरियाली दिख रही है आपको, यहाँ पे देख रहे हो एकदम कतई जहद वाली हरियाली है यहाँ पे। एंड मुझे लगता है कि अगर विंटर सीजन में अगर हम लोग यहाँ पे आते तो ये जो माउंटेंस है ना मोस्टली यहाँ पे बादल तो रहेंगे, एंड यहाँ का विंटर सीजन में सनराइज देखने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब मैं काम करता थोड़ा सा, अभी लंच कर लेते दोपहर का। दोपहर का लंच तो मेरे मॉम ने मुझे टिफिन बांध के दिया कि जा दो टिफिन लेके जा। अरे तो बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई। कैमरा कैमरा कैमरा, अरे भाई बारिश आ गई है, बारिश बच्ची ये भी आना चाहिए। तो गाइस बारिश हो गई है चालू, देख लो एकदम ओपी वाली, देख लो यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत खट्टा है, खट्टा है, पता है क्या? अबे खट्टा है, मेरे को पता है, मैं पिया ऐसा। तो गाइस देख रहे हो बारिश एकदम कतई जहर वाली बारिश चालू हो गई है, देख लो यहाँ पे। अभी हम लोग ऐसे पेड़ के नीचे यहाँ पे खड़े हैं, पर मैंने तो कैप पहनी इससे यहाँ पे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं अपने थोड़े सा माइक और फोन के लिए थोड़ा सा वह दे दूँ। हम लोग की बाइक वहाँ पे खड़ी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा झेल लेंगे और क्या। तब तक शांत हो जाएगा तब तक फिर हम वापस बाहर जाएंगे, थोड़ा सा फोटोशूट करना बाकी है। इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप हैंडल ब्लिंक कर रहा हो दिखाई दे रहा होगा, जाके फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। और बाकी सब बढ़िया है। A few moments later. So guys, 5 मिनट और 10 सेकंड रुकने के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश कम हो चुकी है। मतलब यहाँ का मौसम देखो, अभी देखो वहाँ का देखो, पूरा सीन ही चेंज हो गया। देखो अभी वहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ के जो बादल थे वहाँ पे चले गए, अब यहाँ पे एकदम मस्त वाली रोशनी आने वाली है। अब थोड़ा सा हम लोग फोटो शूट करेंगे, बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे एकदम, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अभी मुंबई पहुँच रहे हैं। मुंबई जाके थोड़ा सा काम, आज तो काम नहीं हो पाएगा, जो भी होगा कल होगा, पर यहाँ से पहुँचना मतलब मुंबई टू यहाँ पे हम लोग आए ना, टोटल हम लोगों ने कवर किया 178 किलोमीटर्स, तो अभी रिटर्न भी उतना ही जाना है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा पैकअप, हम लोग का भी लंच भी करना बाकी है, लंच करेंगे बाद में सीधा करेंगे पैकअप। सब बाइक यहाँ से फास्ट भगाएंगे, फास्ट नहीं डिसेंटली रिस्पॉन्सिबिली भगाएंगे। एंड व्लॉग करते करते मैंने अपना जैकेट भी यहाँ पे छोड़ दिया, बारिश आ रही थी और बारिश में जैकेट भीग गया, मेरा यहाँ पे बैग भी भीग रहा था। तो मैंने क्या किया, फटाफट से घर पे से जो मैं गोनी लेके आया था इसके नीचे रखने के लिए, वही मैंने ढक दिया, जिससे कि मेरा बैग तो पार्शली बच चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो लेट हुआ उसकी वजह से मेरा बैग पार्शली थोड़ा सा गीला हो चुका है, लेकिन एवरीथिंग इज़ गुड, द बाइक इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। एंड ठीक है, अभी तो देखो धूप आ गई। ओहो हो हो, सन किस सम किसड, क्या बोलते हैं, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सनकिस्ट सनकिस्ट, अरे आप सनकिस्ट वाला एक फोटो देखना मेरा इंस्टाग्राम पे, हमारे जो फोटोग्राफर है मिस्टर अकल का दुश्मन, इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो कर सकते हो, हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अच्छे खासे फोटो खींचते हैं। हमारे भी एक फोटो खींचेंगे अभी हमारे लिए इंस्टाग्राम के लिए, खींचेंगे कि नहीं देख रहे हो, अरे कैमरा भी मैं घुमाऊंगा तभी हाँ बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ देखा, ठीक है अब फोटो खींचते थोड़ा। बाइक कवर्स कहाँ से आ रहे हैं, ओके वहाँ पे फेरी सर्विस भी है, फेरी फेरी बोलते जटी है, फेरी बोलते कि जटी बोलते हैं, फेरी वहाँ पे फेरी सर्विस भी है। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से बाइक डाल के हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। तो एक काम करते हो फटाफट से मैं अपना लंच कर लेता हूँ, एंड मिलते आपको बाद में। ठीक, तो गाइस ब्लॉग की समाप्ति यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि एडिटिंग के टाइम भी मुझे पता चला कि ये 24 या फिर 25 26 मिनट का ब्लॉग बना है। एंड आई होप गाइस आपको छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा, छोटा सा नहीं यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एंड ज़्यादा बड़ा हो गया तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे तक मेमोरी बन जाएगा। आते वक्त मैंने इसमें कुछ भी व्लॉगिंग या फिर मोटो व्लॉगिंग नहीं किया था, क्योंकि मेरा एक्शन कैमरा की बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है, बारिश भी कंटिन्यूस हो रही थी, तो मैं नहीं चाहता कि अपना कैमरा भी ख़राब हो। तो आई होप वैसे आपका आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नाउ दिस इज जेएसएम साइनिंग ऑफ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड दैट्स फॉर श्योर। Somebody say
परिणीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की।